हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि, वेलकम टू माय चैनल द फूड हेवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड चिली गार्लिक चटनी, जो कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे तीखा खाना ज्यादा पसंद किया जाता है। इस चटनी को आप स्नैक्स के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस चटनी का एक अलग यूज भी है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो मेरा सीक्रेट भी है। पकौड़े बनाते टाइम और बेसन का चीला बनाते टाइम अगर आप इस चटनी को बेसन के बैटर में मिला देते हैं तो ये पकौड़ों का टेस्ट दुगना कर देती है। अगर आप ऑमलेट बनाते टाइम या फिर भुर्जी बनाते टाइम एग के बैटर में इसे डालते हैं तो ये ऑमलेट का और भुर्जी का जायका और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए बनाते हैं रेड चिली गार्लिक चटनी। रेड चिली गार्लिक चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो इस तरह है। मैंने ये 4 लाल मोटी मिर्च ली है मीडियम साइज की, 15 से 16 तुरियां ली है लहसुन की, 2 चम्मच लिया है मैंने सरसों का तेल, नमक और काली सरसों, ये हमें आधा चम्मच चाहिए छौंक के लिए। अब सबसे पहले मैं ये लाल मिर्चों को काट के मिक्सी में डालूंगी। इस तरीके से इसकी पहले पीछे से डंडी काट देंगे, इसमें डाल देंगे मिक्सी में। अब इसमें लहसुन डाल देंगे और नमक। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अभी अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ा सा और मिक्सी को चलाएंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी। लगभग 2 या 3 चम्मच पानी डाला मैंने इसमें। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से पिस गई है। अब ये चटनी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है, इसे मैं कटोरी में पलट लूंगी। अभी चटनी मैंने कटोरी में डाल दी है, अब हम इसे छौंक लगाएंगे। कढ़ाई में ये तेल डाल के गरम कर लेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अभी तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये आधा चम्मच सरसों डाल देंगे। ये सरसों अच्छे से चटक जाएगी जब, तो हम इसमें ये चटनी डालेंगे। ये सरसों हो रही है थोड़ी। अभी देखिए सरसों चटक गया है, गैस को हम सिम कर देंगे और इस चटनी को इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये जो हमारी चटनी है ये मल्टीपर्पज चटनी है, इसे आप स्नैक्स के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन इसको आप एग के बैटर में यूज कर सकते हैं भुर्जी या ऑमलेट बनाते टाइम, पकोड़ों के बैटर में यूज कर सकते हैं, और परांठा बनाते टाइम परांठे में भी डाल सकते हैं। अभी चटनी हमारी पक रही है, ये देखिए साइड से घी छोड़ रही है, इट मीन्स ये पक गई है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। अभी हमारी रेड चिली गार्लिक चटनी बिल्कुल तैयार है, आप इसे बनाइएगा जरूर, और इस रेसिपी को लेके जो भी आपके कमेंट्स हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।